है, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। चर्चा होती, कोरोना महामारी को लेकर के चर्चा होती, वैक्सीनेशन की ड्राइव को कैसे हम समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके देश के अंदर पूरा करें, इसको लेकर के इस सदी की इस महामारी से निपटने में सामूहिकता का क्या प्रभाव हो सकता है, इन सब मुद्दों पर जहां एक सार्थक चर्चा का मंच संसद होता, चर्चा का मंच न बना करके शोरगुल और केवल आरोप प्रत्यारोप के साथ ही तथ्यहीन और झूठे आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगा करके देश की छवि को भी धूमिल करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, ये कभी मनसाएं विपक्ष की पूरी नहीं होंगी। इस प्रकार के मनगढ़ंत और तथ्यहीन आरोपों को एक सिरे से खारिज किया जाना चाहिए। देश की जनता मांग कर रही है कि विपक्ष कोरोना कालखंड में जो एक विषाक्त वातावरण विपक्ष ने बनाया था देश के अंदर, दुनिया के अंदर देश की छवि को खराब करने का कुत्सित कार्य किया था, उसको लेकर के भी और संसद सत्र की कार्यवाही को निर्बाध और निर्विघ्न संपन्न करवाने में योगदान देने की बजाय अपनी इस नकारात्मकता के कारण जनपक्ष से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों को संसद में न उठने देना, ये आम नागरिक के जीवन के साथ खिलवाड़ है। विपक्ष को इस बात के लिए जनता जनार्दन से और देश से माफी मांगनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश है या सिर्फ विपक्ष की साजिश? देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है कि भारत के संसद सत्र के ठीक पहले, जिस संसद सत्र में किसानों के मुद्दे को लेकर के, कोविड के मुद्दे को लेकर के और देश से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के सार्थक चर्चा होती, तमाम ऐसे बिल्स थे जिन पर आगे चर्चा बढ़ा करके देश के हितों के लिए, 130 करोड़ लोगों के हितों के लिए कार्य होता, उस पर कार्य संसद में होने देने की बजाय विपक्ष जिस नकारात्मक भूमिका के साथ आया है, ये अत्यंत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण को लेकर योगी की तरफ से प्रहार किया गया है कि ये बहुत ही गलत है, अमानवीय है। लेकिन हम फिर से लौटेंगे इसी खबर पर और जानकारी देंगे, जनता से माफी मांगे विपक्ष, सीएम योगी की तरफ से कहा गया है, बड़ी खबर। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।